यूपी के मैनपुरी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब ग्राम ललूपुर में बीडीसी पद के लिए वोट मांगने निकले प्रत्याशी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक प्रत्याशी बीते शाम गांव में वोट मांगने निकला था, लेकिन रात भर घर नहीं लौटा। सुबह 9 बजे उसका खून से सना शव गांव के खेत में पड़ा मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। बता दें कि यह पूरा मामला मैनपुरी की सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ललूपुर का है, जहां के निवासी खाद बीज विक्रेता 60 वर्षीय राकेश राजपूत पुत्र भरत सिंह गांव के ही वार्ड से बीडीसी पद का चुनाव लड़ रहा था। शाम को वे बीडीसी के पद के लिए वोट मांगने के लिए घर से निकले थे, देर रात तक वापस नहीं लौटे तो परिजनों को चिंता हुई। रात भर उसकी तलाश की गई लेकिन कोई पता नहीं चला। सुबह गांव के ही सर्वेश राजपूत के खेत में उसका चाकू से गुदा शव बरामद हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी अविनाश कुमार पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि हमने 4 टीमों का गठन कर दिया है, जो भी आरोपी होंगे उन्हें पकड़ लिया जाएगा। वहीं मृतक प्रत्याशी के परिजनों का कहना है कि बीडीसी चुनाव को लेकर उनकी कोई दुश्मनी या विवाद नहीं था। क्या नाम भाई साहब? अपना योगेंद्र राजपूत। गांव ललूपुर में एक घटना हुई है, क्या घटना हुई, कहां के निवासी थे, क्या मामला है? ये सर ललूपुर के निवासी थे राकेश राजपूत। तो ये शाम को वोट मांगने निकले तो नेट तक घर वाले ढूंढा नहीं मिले, सुबह भी सब लोगों ने ढूंढा नहीं मिले। सुबह पर इनकी लाश पड़ी हुई थी एक तालाब के पीछे, नहीं हाँ तालाब के खेत के पीछे ही, बगल में तालाब भी था और गेहूँ खेत भी था वहाँ पर। सर कितने प्रत्याशी लगभग मैदान में? गांव में 7 प्रत्याशी थे। हाँ तो ये सबसे सीनियर थे या? सीनियर थे सर, बुजुर्ग में सबसे सीनियर थे। क्या व्यापार करते थे? इनका सर बीज भंडार दुकान थी सर, परचुनी शॉप थी इसकी, जो खेती पर अपने करते थे सर। कभी किसी से विवाद या कोई चीज़ रही? विवाद तो सर नहीं, अभी किसी नहीं था, बहुत बढ़िया थे गाँव के, बोलने चालने सम्मानजनक व्यक्ति थे ये सर। लगभग शाम को कितने बजे? शाम को 6 बजे से सर नहीं मिले। गांव में एक बॉडी मिली है, पूरा मामला क्या है? देखिए राकेश पुत्र भारत सिंह, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष के करीब है, इनकी डेड बॉडी मिली है ग्राम ललूपुर के जस्ट पास के जो बगल के लगे हुए खेत हैं, और उनसे घरों की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये सूचना सुबह प्राप्त हुई थाना कोतवाली पर, तत्कालीन सभी उच्च अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण कर लिया गया है। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और सर्विलांस की जो टीम है उन सभी को वहाँ पर दिखा दिया गया है। जो उनके परिजन हैं, पुत्र हैं, भाई हैं, उन सभी से वार्ता कर ली गई है और जो भी संभव विधिक कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। इसमें कुछ क्लूज जो सामने आ रहे हैं उन पर भी टीम लगा दी गई है, 4 टीमों का गठन कर दिया गया है और शीघ्र इसका अनावरण किया जाएगा। सर जिस जगह बॉडी मिली है क्या अंदेशा जताया जा रहा वहीं उस व्यक्ति की हत्या की गई या कहीं से हत्या करके लाया गया वहां डाला? प्रथम दृष्टया जो फॉरेंसिक टीम और हम लोगों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया उससे ये लग रहा है कि वहीं पर बॉडी जो है वहीं पर हत्या की गई, वहीं पर बॉडी को डाला गया है। और अन्य कोई यदि बात आती है सामने तो उसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अभी डॉग स्क्वाड और जो हमारे क्षेत्र अधिकारी नगर हैं वो मौके पर ही हैं, अन्य चीज़ें जो भी सामने आएंगी हम आपको अपडेट करते हैं। सर राकेश बीडीसी का चुनाव भी लड़ रहे थे? हाँ ऐसी बात सामने आई है कि ये बीडीसी का चुनाव भी लड़ रहे थे। इनके अभी इनके पुत्र से बात हुई तो चूंकि बीडीसी का चुनाव ऐसा कोई बहुत संवेदनशील चुनाव नहीं माना जाता है और इनके पुत्र का भी कहना है कि कोई बहुत ऐसा चुनाव को लेकर या अन्य कोई विवाद नहीं, सभी संबंधित जो प्रत्याशी हैं उनसे बातचीत की जा रही है, परंतु इनके पुत्र और इनके भाई से भी डिटेल वार्ता हुई है। उनका कहना है कि इस प्रकार का कोई भी विवाद हमारा किसी से नहीं था। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।